धन हो गया है, आप उनके करीब रहकर के काम किए हैं, क्या अनुभव रहा है, कैसे रहे? देखिए, आदरणीय तिवारी जी के निधन से समस्त कांग्रेसी जो है दुखी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक शोक सभा भी हुई और हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय राज बब्बर जी ने भी शोक संदेश भेजा हुआ है। वो बहुत ही सौम्य, कुशल और विद्वान राजनीतिज्ञ थे। 1957 से लगातार भारतीय राजनीति पर्दे पर जिस तरह से वो असरदार तरीके से रहे, मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो इतने असरदार तरीके से रहा। इस प्रदेश के 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में उद्योग मंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री के पदों पर सुशोभित रहे, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री रहे और आंध्र प्रदेश में गवर्नर के पद पर कार्यरत। तिवारी जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और बहुत ही बड़ा अनुभव उनको रहा है। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते रहे। उत्तर प्रदेश में पहली बार हॉट मिक्स प्लान से सड़कें उन्हीं के नेतृत्व में बननी शुरू हुई थी और उनके जैसा योग्य व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि शायद कोई दूसरा राजनेता हो। हम सब बहुत दुखी हैं और हमारी उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। यूपी भवन में रहते हुए आपका, जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त जाते थे वहाँ, तो कैसा बर्ताव मुख्यमंत्री का एक रहता था? उनका अपने अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बहुत ही दोस्ताना व्यवहार रहता था। बच्चों की तरह से सबसे स्नेह रखते थे और सबके दुख सुख में शरीक होते थे, चीज़ों को अच्छी तरह से जानते थे। अगर किसी से नाराज़ भी होते थे तो बहुत तरीके से उनको अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते थे। मेरी तो बहुत सी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं और उनको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तिवारी जी बहुत ही सुहृदय व्यक्ति थे, वैसा राजनेता मिलना बहुत मुश्किल है। आपके साथ कोई एक घटना जो आपको याद आ रही हो तिवारी जी से जुड़ी हुई? एक बार की बात है, उस्मान आरिफ साहब यहाँ गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने एक सैलून बुक कराया दिल्ली से मुरादाबाद के लिए और दूसरे दिन मुरादाबाद से उनको लखनऊ जाना। सैलून बुक हो गया, मुझे ही जिम्मेदारी दी गई थी। रेलवे विभाग ने कहा 80,000 रुपये जमा कर दीजिए। उस जमाने में 1,20,000 रुपया गवर्नर का वो होता था रेलवे यात्रा का खर्चा, मतलब पूरे यात्रा का खर्च होता था। तो जी गणेश एक सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की। प्रेसिडेंट कमिश्नर ने मुझको कहा कि जाके गवर्नर साहब को मैसेज दे दीजिए। गवर्नर साहब को मैंने मैसेज दिया, वो बहुत नाराज हुए और मुझे उन्होंने तलब किया राजभवन में। मैं राजभवन गया, उनसे मिला, फिर चीफ सेक्रेटरी से मिला। चीफ सेक्रेटरी उसमें गिरीश बेहरा जी थे, उन्होंने बाकायदे मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि एक पूरा वृत्तांत लिख के आप दे दो। हमारे डायरेक्टर स्टेट थे, हमने उनसे बताया, उन्होंने कहा आप डायरेक्ट सचिव को लिख दो। कोई आदमी मुझे पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं सीधे तिवारी जी के पास चला गया। तिवारी जी को पूरा किस्सा मालूम था। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मुस्कराते हुए बोले, हंस गया? और फिर उन्होंने पूरा सुना। मैंने पूरा वृत्तांत सुनाया और मैंने कहा सर मेरी गलती इतनी ही है, इतना शब्द कहा, आगे का बात काटते हुए अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाइए, अपना काम कीजिए, आपने सही बात की जो आपसे कहा गया, जाइए चिंता मत। ये उनका काम करने का तरीका था। तो तिवारी जी कभी भी किसी भी दबाव में आते नहीं थे और सही काम पे सही निर्णय लेते थे।